नमस्कार, डीजीएन न्यूज के खास कार्यक्रम तेल की मार में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कहावत है, तेल देखो तेल की धार देखो, मगर वक्त ने और मोदी सरकार के फैसलों ने इस कहावत को बदल दिया है। अब तेल देखो तेल की मार देखो, ये मार रोज बढ़ती जा रही है। कभी 8 पैसे, कभी 17 पैसे, कभी 16 पैसे, और आज तो हद हो गई जब 45 पैसे की ये मार पड़ी है। पेट्रोल 85 पार हो गया है और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसके बाद महंगाई में सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़े हैं कि 8% की वृद्धि हो गई है। यानी आम आदमी का घर का खर्चा, आम आदमी के रसोई का खर्चा कम से कम 8% बढ़ गया है, क्योंकि सब्जी हो या किराना, वो सब ट्रांसपोर्ट से हमारे तक पहुंचता है, ट्रक भाड़े के ज़रिए हमारे तक पहुंचता है, और इस वजह से महंगाई बढ़ रही है और बढ़ेगी। पेट्रोल की मार से जनजीवन तो परेशान है ही, लेकिन सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं परेशानी का अनुभव कर रही है, क्योंकि ये एक वो सवाल है जिसका जवाब देते हुए उसके नेताओं को बन नहीं रहा है। और कांग्रेस निश्चित ही बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी कभी 62 और 72 में भारत बंद करा दिया करती थी, वह 85 पर क्या मुँह लेकर जनता के बीच में जाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, प्रखर वक्ता उमेश शर्मा, और कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम। लेकिन इन दोनों मेहमानों से मैं चर्चा करूं, उसके पहले हम कुछ फ्लैशबैक में जाना चाहते हैं, सन 2011 में जाना चाहते हैं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, पेट्रोल का दाम कभी 62, कभी 70 और कभी अधिकतम 72 रुपये तक रहा। तब क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्हीं के बयान, उन्हीं की जुबानी सुनिए भारतीय जनता पार्टी के बयान। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने वादा किया था कि अगर हम चुन करके आएंगे महंगाई कम करेंगे। कहा था ना? डीजल का क्या हुआ? पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? रुपया अस्पताल में है, आईसीयू में पड़ा है, भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। यही तो कारण है भरोसा टूट गया है। स्वाभाविक है, पेट्रोल और डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो जो दैनंदिन उपभोग की जो वस्तुएं हैं, यानी एसेंशियल कमोडिटीज जिसे बोलते हैं, उनकी भी कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ती हैं, और उसका खामियाजा सर्वाधिक यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। जो गरीब हैं, जो किसी तरीके से 10 रुपया 20 रुपया प्रतिदिन की कमाई करते हैं, मैंने उनका तो जीना दूभर ही नहीं होता है, बल्कि सचमुच उनके लिए तो जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि बाजार माफिया हर 2 महीने में महंगाई पर तेल का तड़का लगा रहे हैं, और महंगाई पर इस तेल के तड़के का नतीजा ये हो रहा है कि आम आदमी जो महंगाई से बुरी तरह से पीड़ित है, परेशान है, वो और ज़्यादा परेशान हो रहा है। और इस बाजार माफियाओं के साथ सांठगांठ करके ये सरकार महंगाई को बढ़ाने में काम कर रही है। आम आदमी का नारा देकर शासन में आई, और आज ये सरकार उस आम आदमी के खिलाफ एक षड्यंत्र का रूप धारण कर चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आने वाले चुनावों में इस देश की जनता आपको ये सबक भी सिखला देगी कि अगर पैसा पेड़ों पे नहीं उगता तो वोट भी पेड़ों से नहीं मिलने वाले। उमेश जी, आप अपने दिग्गज शीर्षस्थ नेताओं को सुन रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया। प्रतीक भाई, जब विपक्ष का राजनीतिक धर्म का निर्वहन करने का अवसर आता है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व होगा वो इसी प्रकार की भाषा बोलता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका यही होती है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस के मित्र लोग इस प्रकार के आलोचनात्मक भाषण या भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वे अपने विपक्ष धर्म का पालन कर रहे हैं।
जिस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, विपक्ष का काम होता है जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ना। हमने विपक्ष में उस भूमिका का निर्वहन किया, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी। सवाल ये है कि क्या अब आपको अपनी बात याद नहीं आ रही? हमें अभी भी याद है। तो अब आपको कहीं ग्लानी हो रही है? नहीं, कोई ग्लानी का भाव नहीं है। इतने 85 भाव का कोई ग्लानी नहीं? ग्लानी का भाव इसलिए नहीं है प्रतीक भाई, तात्कालिक समय काल परिस्थिति के अनुरूप निर्णय होते हैं, और ये पेट्रोल उत्पाद के मूल्यों में जो वृद्धि हुई है ये केवल भारतीय जनता पार्टी के पापों के कारण नहीं हो रही है, ये हम कांग्रेस पार्टी का पाप भोग रहे हैं। $43,000 करोड़ का ईरान का कर्जा हम पर बाकी छोड़कर गए, उस कर्जे का भुगतान भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है, अंतरराष्ट्रीय साख को बचाने की जिम्मेदारी हमारी रही है। इस कारण मुझे लग रहा है प्रदीप भाई के तात्कालिक रूप से जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, निश्चित रूप से बढ़े हैं, मैं स्वीकार करता हूं, और ये घटेंगे। जब 72 रुपए यूपीए सरकार भेजती थी तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड मूल का आयल 113-114 था, आज उससे कम होने के बाद आप 85 भेज रहे हो। ईरान वाली जो घटनाक्रम आप बता रहे हो वो एक वायरल झूठ था, जो नहीं वायरल झूठ नहीं है प्रतीक भाई, वो वायरल वायरल नहीं, नेशनल चैनलों पर प्रमाणित हुआ है, आज भी मेरे पास प्रमाण है, वो वायरल नहीं था, उसकी सच्चाई को परखा गया, प्रमाणित किया गया, बड़े नेशनल चैनल, चूंकि हम एक चैनल पे बैठे हैं, किसी अन्य चैनल का नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, पर नेशनल न्यूज चैनलों पर इस प्रकार का प्रमाणीकरण करा गया है, वो वायरल सस्ता, और अगर झूठ है तो कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करे। वस्तु स्थिति क्या है, क्या वास्तव में उमेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पाप का भुगतान कर रही है? ये जो बात उमेश जी कह रहे हैं 43,000 करोड़ रुपए की बात, विभिन्न चैनलों पर इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये एक झूठ था, जैसे कि सीएजी की रिपोर्ट 2G घोटाले में थी, 1,76,000 करोड़ रुपए का पूरा घोटाला बाद में नकली साबित हुआ, वैसे ही 43,000 करोड़ रुपए की ये जो बात कह रहे हैं कि हम पर कर्जा था और कांग्रेस छोड़ के गई थी, ये सरासर झूठ है। वस्तु स्थिति ये है कि मनमोहन सिंह सरकार ने पेट्रोल के दामों को जिस तरीके से नियंत्रित किया था वह काबिले तारीफ है। 110 से लेकर 114 रुपए प्रति बैरल जब क्रूड की कीमत थी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब हमने 72 रुपए लीटर में पेट्रोल बेचा और 68 रुपए तक में बेचा और 55 रुपए डीजल की कीमत हुआ करती थी। लेकिन तब सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके शीर्षस्थ नेता मोदी जी कह रहे थे कि यह दिल्ली सरकार की नाकामयाबी का प्रतीक है। आप ये बताइए कि क्या दिल्ली सरकार की नाकामयाबी तब 62 रुपए में थी केंद्र सरकार की नाकामयाबी, और आज जब 86 रुपए, तो यह इनकी सफलता का प्रतीक है? मैं भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज जब इंदौर में पेट्रोल की कीमत 86 रुपए 36 पैसे और डीजल की 76 रुपए 38 पैसे, तो आज ये इनकी सफलता का प्रतीक है या विफलता का? मैं उमेश जी से ये भी जानना चाहता हूं कि क्या क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसको कि सहचर पूंजीवाद कहा जाता है, वो कहीं ये उसके षड्यंत्र तो नहीं है? कहीं ये रिलायंस को फायदा पहुंचाने की स्कीम तो नहीं है? क्योंकि ओएनजीसी और रिलायंस के बीच में एक विवाद आया था, 30,000 करोड़ की केजी बेसिन में ओएनजीसी की गैस चुरा ली गई थी, अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक पहुंच गया मामला, गैस चुरा ली गई थी, और उसके बाद में जब जांच हुई तो जांच एजेंसियां भी इनकी, उसके ऊपर दंड हुआ रिलायंस के ऊपर 1,300 करोड़। उल्टा क्या हुआ, रिलायंस ने उल्टा ओएनजीसी पे केस दायर कर दिया कि हमें 1,300 करोड़ भी नहीं भरेंगे। और देखिए किस तरीके के सहचर पूंजीवाद इस देश में चल रहा है कि वो 1,300 करोड़ रुपए भी माफ कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि ओएनजीसी अपने लाभ के प्रतिशत में से रिलायंस को हिस्सा देगा। इस तरह का सहचर पूंजीवाद कभी इस देश में आया नहीं था। कभी आपने इस तरीके की तस्वीरें देखी है? कभी आपने इस तरीके की तस्वीरें देखी है कि मुकेश अंबानी ने मनमोहन सिंह के कंधे पर हाथ डाला हो? लेकिन ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं कि नरेंद्र मोदी के कंधे पर मुकेश अंबानी का हाथ है। गंभीर बात है कि ये बात आम परसेप्शन बन रहा है कि रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही ये फैसला लिया कि अब तेल के दाम कंपनियां तय करेंगी, जो पहले रोज 15 दिन में करती थी अब वो हर रोज कर सकेंगी। क्या इस वजह से जो आपने फ्री छोड़ दिया कीमतों को, कंपनियों के भरोसे छोड़ दिया, तो उससे आम आदमी जो आपका मतदाता था, मध्यम वर्गीय आपका मतदाता रहा शुरू से जनसंघ के जमाने से, आप भी मानते हैं, उस मध्यम वर्गीय परिवार के ऊपर बोझ पड़ने लगा है? प्रतीक भाई, एक तो संतोष जी की बात का बहुत संक्षिप्त में जवाब दूंगा, फिर मैं आपके मूल प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। एक तो ये जो 43,000 करोड़ डॉलर वाला विषय है, ईरान को हमने भुगतान करा है, और उसका कारण ये रहा है कि जिस समय उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिए गए थे, प्रतिबंधों को हटाया गया, प्रतिबंध हटने के बाद उसने यूरो के अंदर हमसे भुगतान की मांग करी थी, और जाके निगोशिएट होकर 43,000 करोड़ डॉलर का भुगतान किया गया है, और नियमित रूप से उसकी किस्तों की अदायगी हो रही। एक बात इस विषय को यहाँ समाप्त करता हूँ।
दूसरा जो सहचर्य पूंजीवाद का आरोप लगाया है, कोई भी राजनीतिक दल आता है स्वाभाविक रूप से वो सबको साथ में लेकर काम करता है और देश के अर्थजगत के जो बड़े हस्ताक्षर है वो स्वाभाविक रूप से सरकार के साथ चल के देश के सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। सहचर्य पूंजीवाद का तो सबसे ज्यादा शर्मनाक और भयावह उदाहरण तब आता है कि जब दामाद की पूंजी 1000 गुना बढ़ जाए, है ना, तब मुझे लगता है कि सहचर्य पूंजीवाद का आरोप लगाना चाहिए। और कांग्रेस के मित्रों को तो सहचर्य पूंजीवाद का आरोप भारतीय जनता पार्टी के माथे इसलिए भी नहीं मरना चाहिए कि आप तो जो है वो वाड्रा जी की संपत्ति के बारे में स्पष्टीकरण देते अध्यक्ष पुत्र की कंपनी की वो बढ़ जाए तब नहीं हुआ कहीं किसी स्तर पर प्रमाणिक नहीं हुआ प्रतीक भाई। और एक और बात उन्होंने जो कही थी कि रिलायंस वाले विषय से ना तो सरकार का कोई लेना देना है ना भारतीय जनता पार्टी से लेना देना है। हाँ, हमने खुले बाजार की नीति को अपनाया है। हमने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय जो बाजारों का मूल्य निर्धारित होता है उसके आधार पर मूल्य निर्धारण होगा। क्योंकि अभी वैश्विक परिस्थिति इस प्रकार की बनी है कि अमेरिका की जो आर्थिक नीतियां हाल में आई हैं पिछले एक वर्ष में, तो केवल भारत का रुपया कमजोर हुआ ऐसा नहीं है, अन्य जितनी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं हैं विभिन्न देशों की उन सब के अंदर गिरावट आई है। और अमेरिका की इन आर्थिक नीतियों के चलते स्वाभाविक रूप से जो तात्कालिक महंगाई या बढ़ोतरी पेट्रोल डीजल में सबसे ज्यादा गिरा है, नहीं सारी क्योंकि रुपया सबसे ज्यादा गिरा, रुपया सबसे ज्यादा अहमियत रखता है वैश्विक बाजार में, रुपया सबसे ज्यादा गिर गया, नहीं गिरा नहीं है प्रतीक भाई। आप देखिएगा कि मूल्य मोदी जी की भाषा में बोलूं तो अस्पताल में है ऐसा कहा, इमरजेंसी में आईसीयू में नहीं है प्रतीक भाई। क्या है कि इस समय जो अमेरिका के आर्थिक जगत का व्यवहार आया है, पिछले 6 महीने की आप वैश्विक आर्थिक जगत की रिपोर्टों का अध्ययन करेंगे तो यह स्वाभाविक रूप से देखने में आएगा कि अमेरिका का डॉलर केवल भारत के रुपयों की बनिस्बत नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रुपये की अपेक्षा अन्य मुद्राओं के बारे में भी वो बहुत तेजी से मजबूत हुआ है। स्वाभाविक रूप से ये बहुत ज्यादा दिनों तक टिकने वाली स्थिति नहीं है, ये तात्कालिक रूप से दिखाई दे रहा है। पेट्रोल डीजल के जो उत्पादों में मूल्य वृद्धि हुई है मुझे लग रहा है कि उस पर भी स्वाभाविक रूप से छोटा सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। शिवराज सिंह चौहान के बहुत नजदीकी हैं, उनके साथ डे टू डे में आपकी बातचीत होती है, यात्रा में भी आप साथ जाते हैं। अभी आपने उनको याद नहीं दिलाया कि पेट्रोल दाम इतने बढ़ गए तो साइकिल पर वो यात्रा करने लग जाएं? पहले जाते थे वो साइकिल पर विधानसभा, मनमोहन सिंह जी के जमाने में साइकिल चलाते थे, पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे। उमेश भाई याद दिलाइए पुरानी बात ने कि आपको साइकिल चलना चाहिए। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, स्वाभाविक रूप से दो प्रकार के राजनीतिक धर्मों का निर्वहन होता है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। जिस समय हम विपक्ष में होते हैं तो विपक्ष की भूमिका का भी बहुत प्रमाण पूर्वक निर्वहन करते हैं, इस समय हम सत्ता पक्ष की राजनीति कर रहे हैं तो इस समय हमारी जिम्मेदारी सरकार को चलाने की है, सावधानी और गंभीरता पूर्वक चलाने की है, तो उस सावधानी और गंभीरता पूर्वक आचरण मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। कोई हमें लगता नहीं है कि उनको साइकिल से चलना चाहिए, यह काम कांग्रेस पार्टी के मित्रों को चलना चाहिए। अब कांग्रेस के पार्टी के मित्रों की कठिनाई यह है कि उनको नेता पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ से लाने पड़ते, वयोवृद्ध नेता लाने पड़ते हैं, ऐसे नेता लाने पड़ते हैं कि जो पैदल खुद नहीं चल पाते, एक के साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि एक कठिनाई का कारण यह भी है कि कमजोर विपक्ष है, मकार विपक्ष, अलसाया हुआ विपक्ष, विपक्ष की जो तेज और धारदार भूमिका कांग्रेस पार्टी को निभाना चाहिए थी वो नहीं निभा पा रही है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब भी तेजस्वी तीखो और तेवरों के साथ काम करती थी और आज हम सरकार में हैं तो सरकार में भी काम कर रहे हैं। इस बात से मैं भी सहमत हूं उमेश जी की अगर 72 और 62 में भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में इतना जबरदस्त आंदोलन खड़ा किया था कि आप लोगों को जवाब देते नहीं बन रहा था, आप 85 पर भी वो आग नहीं लगा पा रहे। आग लगाने से मेरा मतलब वो तीखे तेवर नहीं है, वो आपका आंदोलन नहीं दिख रहा, वो आपकी सड़कों पर आपका कांग्रेस का कार्यकर्ता आकर दिख नहीं रहा। और ये ठीक कह रहा है कि जब विपक्ष थोड़ा सा ढीला होता है तो सत्ताएं निरंकुश हो जाती हैं। मैं आपकी बात से इसलिए सहमत नहीं हूं कि कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के विरुद्ध कांग्रेस ने एक आंदोलन खड़ा किया है। इसके विषयों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा वो कितना प्रचारित और प्रसारित हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का ग्राउंड लेवल कार्यकर्ता पूरी ताकत से इस बात को उठा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है। मैं यहां पर दूसरी बात रखना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब साइकिल पे 62 रुपए की कीमत में मुख्यमंत्री आ सकता है तो आज 86 रुपए में वो करोड़ों रुपए के रथ में जन आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा जब वो करते हैं तो करोड़ों रुपए के रथ में घूम के उनको क्या आवश्यकता पड़ गई? यदि कमजोर विपक्ष है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपए के रथ में घूम कर वो जनता से आशीर्वाद लेने क्यों जा रहे हैं? 15 साल के शासनकाल के बाद तो जनता को उन्हें आशीर्वाद देने आना चाहिए था। दूसरी बात इन्होंने कही कि पश्चिम बंगाल से हमारा आयातित नेतृत्व, अरे भाई 1980 से कमलनाथ जी यहां के सांसद हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं 9 बार से। इन्होंने नाम नहीं लिया। हां ठीक है, वो जिसकी तरफ इंगित कर रहे हैं उसका जवाब देना चाहता हूं। जानते हैं कि आयातित कौन है, मैं उसका जवाब नहीं, उनकी पार्टी ने कौन सा माल आयात करा है, तो आयात माल की जानकारी है
इस तरीके के आयातित माल और इस तरीके की जो निम्न स्तर की भाषा का प्रयोग करते रहे। मैं ये बताऊंगा कि 1980 से लगातार वो क्यों जीत रहे हैं। 1980 से इसलिए लगातार जीत रहे हैं कि उन्होंने अभी चैलेंज किया कि छिंदवाड़ा और विदिशा का विकास मॉडल आप देख लीजिए, क्यों नहीं मुख्यमंत्री तुलना करते हैं वहां की सड़कों से, विदिशा की सड़कों की तुलना क्यों नहीं करते हैं। जब कमलनाथ पेट्रोल पे आए, बिल्कुल पेट्रोल पे मैं आता हूँ, मैं पेट्रोल पे आता हूँ। पेट्रोल अभी आप थोड़ी देर पहले क्लिपिंग दिखा रहे थे कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल रुपया है उसकी कीमतें जो है उसमें आईसीयू में चली गई है। अरे भाई, आईसीयू में जब 62 रुपए में थी, आज 72 रुपए में क्या रुपया कब्र में पहुंच गया। तो आज रुपए की जो कीमतें हैं उसका सीधा सीधा असर पेट्रोल पे पड़ रहा है। क्यों नहीं उसको नियंत्रित किया जाता, क्यों सुषमा स्वराज जी जब कह रहे थे 400 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार। सुषमा स्वराज जी ने उस समय एक बहुचर्चित बयान दिया था कि जब जब रुपया अपनी कीमत खोता है प्रधानमंत्री अपनी गरिमा खोते हैं। तो आज क्या प्रधानमंत्री की गरिमा उतनी है, कायम है या खो चुकी है, ये बताया जाए। उमेश जी मुझे जवाब दें कि जब 62 रुपए पर प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खो दी थी, 82 रुपए पर क्या मोदी जी की गरिमा कायम है। उमेश जी जवाब दें इस बात का। उमेश जी, प्रतीक जी, मोदी जी के कारण तो मुझे लग रहा है कि केवल मोदी जी की गरिमा नहीं, भारत की गरिमा पूरी दुनिया में कायम हुई है, स्थापित हुई है और जोरदार ढंग से स्थापित हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की गरिमा या नरेंद्र मोदी जी के मान में कहीं कमी आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये जरूर है कि पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि हुई है और इस मूल्य वृद्धि को लेकर हम भी चिंतित नहीं है, ऐसा नहीं। सुषमा जी वाला आर्गुमेंट पे बात करिए। हाँ। सुषमा जी कहती है कि 62 रुपए गिरने पर डॉलर तुलना में 62 रुपए गिरा, प्रधानमंत्री गरिमा गिर गई। अब रुपया 72 पे पहुंच गया, क्या प्रधानमंत्री गरिमा गिरी हुई मानी जाए। देखिए, सुषमा जी का ये जो बयान था प्रतीक भाई, उस समय उनका एक विपक्ष की नेत्री के रूप में सीधा सीधा आक्षेप था। मैं कह रहा हूं कि आप सुषमा स्वराज जी आज हम ही आरोप लगा रहे हैं। आप विपक्ष का उदाहरण भी सुषमा स्वराज को लेकर देते हैं। मैं भी प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। सत्ता पक्ष के लिए भी हमारे नेता उमेश जी ये कह रहे हैं कि आप कहिए कि प्रधानमंत्री आपके नेता क्या कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा चर्चित बयान, क्या कोई ऐसा चर्चित काम, क्या कोई ऐसा चर्चित मूवमेंट या कोई प्रभावशाली आंदोलन चाहते हैं कि आप लोग कहिए प्रधानमंत्री गरिमा गिर गई है। अरे हमने तो विपक्ष का धर्मेंद्र जी का, हमारा सुषमा जी का बयान नजीर बन गया, क्योंकि सुषमा जी ने कहा तो नजीर बन गया। कांग्रेस पार्टी मैं कह रहा हूं उमेश जी संबित पात्रा के मध्य प्रदेश संस्करण है। ये हर बात को चिल्ला चिल्ला कर ऐसा दिखाते हैं कि ये हर बात में सत्य बोल रहे हैं, लेकिन ये तर्कों पे क्यों नहीं बात करते, तथ्यों पे क्यों नहीं बात करते। आज की बात कर रहा हूं, आज तथ्य ये है कि मक्कारी की तरफ इंगित कर रहा हूं, ये तर्क आज तथ्य ये है कि कांग्रेस पार्टी अलसाया हुआ अजगर है, ये तर्क 80 रुपए लीटर कह रहा हूं कि कांग्रेस एक थकेला विपक्ष है, ये तर्क है। ये इनका कहना है, ये तर्क है। आप अपनी भूमिका निभा नहीं पाए। हम निभा रहे हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, क्या मैं अपनी भूमिका नहीं निभा रहा हूं, क्या मैं उमेश जी के सामने, क्या उमेश जी के सामने प्रश्न ले रहा हूं। उमेश जी, उमेश जी, राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि देन देनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। मैंने भी अपने जो पहला नरेशन मैंने दिया ओपनिंग में, पेट्रोल डीजल 8% 8% दाम बढ़ गए। पेट्रोल डीजल के अलावा प्रतीक भाई महंगाई पर चौतरफा नियंत्रण, आज की रिपोर्ट देख रहे हैं, गलन देख ले, तिलन देख ले, आज की रिपोर्ट है 8% महंगाई बढ़ गई। आज की रिपोर्ट दैनंदिनी की वस्तु है, आम उपभोक्ता की वस्तु, आज के समाचार पत्रों में, आज के समाचार पत्रों की रिपोर्ट है, विकास दर भी बढ़ी है। प्रतीक भाई, आप उसके साथ विकास दर तो कम हो गई, 6% हो गई, ग्रोथ रिपोर्ट देखिए, ऐसी विकास दरों का कोई फायदा नहीं, आम आदमी लाभान्वित न होता हो। GDP तो 6.2 हो गई, बिल्कुल इनका कोई फायदा नहीं है। आम आदमी प्राप्त हुई थी और हम शने एक सुधार अर्थव्यवस्था उसका परिणाम भोग रहे हैं आज, उसका परिणाम आज भोग रहे हैं पूरे देश के साथ खेल रहे हैं। नहीं, ये शने शने व्यवस्था को सुधारा जा रहा है प्रतीक भाई, और इसके परिणाम आएंगे। इनके सारे आंकड़े फर्जी होते हैं जो समय समय पर साबित होते रहते हैं। मनमोहन सिंह जमाने में विकास दर 7.2 जी और अब 6.2। प्रतीक भाई, जो व्यवस्थाएं हमको प्राप्त हुई है, मुझे लग रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर आज विश्व की पांचवी छठी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनी है, तो शने शने हम उस दिशा में जा रहे हैं कि हम विश्व की अग्रगण्य 3 अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो जाए। ठीक है, ये तात्कालिक, ये सारा काम मोदी जी ने 4 साल में कर दिया है, तात्कालिक 70 सालों में 65 सालों में ने तो वो करा जो कोई कर नहीं पाया, जो किया है 4 सालों में इन्होंने किया है, बंगाल यान इन्होंने बनाया है, सारी चीजें इन्होंने की है, देश की सबसे शक्ति हीराकुंड इन्होंने बनाया है, भाखड़ा नांगल इन्होंने बनाया है, सारी यूनिवर्सिटियां इन्होंने बनाई है, पैदा आपने सारी यूनिवर्सिटियां उनको पैदा आपने, ये आए हैं, ये आए पाला आपने, ये आए हैं तब से, पोसा आपने, ये आए तब से, आम आदमी का कोई विकास कर दूध पिया, अगर विकास हुआ तो जल्दी उद्योगपतियों का विकास हुआ है। और ताकत से मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आखिर ये पेट्रोल डीजल का रास्ता क्या हो सकता है। उमेश जी,
प्रतीक जी, क्योंकि आप ये मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, भारतीय जनता ये बरगलाएंगे आपको, मैं लाऊंगा मुद्दों की बात नहीं करेंगे, लाऊंगा मुद्दे, मेरा काम ये नहीं बताएंगे कि 86 रुपए में देश का भुगत रहा है। आपकी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी जब शहर में जा रहे हैं, स्वयंसेवक जब शहर में गांवों में लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों में नाराजगी है, आप तक ये बात पहुंच रही होगी, मैं नहीं मानता हूं कि आप तक ये बात पहुंचे, ये स्वीकार नहीं करेंगे उसको, तो क्या क्या रास्ता हो सकता है? राष्ट्रवादी पेट्रोल भराया जा रहा है 86 रुपए लीटर का और 76 रुपए लीटर का राष्ट्रवादी पेट्रोल है। पहले मैं हल इनसे पूछूंगा, फिर आपसे भी हल पूछूंगा। प्रतीक जी, निश्चित रूप से कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी की सत्ता हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आम उपभोक्ता को कठिनाई हो या वो तकलीफ का सामना करे, और भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम उपभोक्ता की तकलीफ से अपरिचित नहीं है और उसकी वेदना नहीं समझ रही है, ऐसा नहीं है। समय इस तरह का है, परिस्थितियों का निर्माण इस प्रकार का हुआ है, वैश्विक बाजार की कीमतों का इस प्रकार का मूल्यांकन हो रहा है, फिर भी अन्य उपाय क्या किए जा सकते हैं इसके बारे में गंभीरता से सरकार के स्तर पर भी विचार चल रहा है। संभवतः बहुत जल्दी ये भी सामने आ सकता है कि GST के दायरे में पेट्रोल डीजल उत्पादों को ले आए, संभवतः बहुत जल्दी ये भी हो सकता है कि जो अन्य राज्यों के अंदर करारोपण किया गया उन राज्यों के करारोपण के बारे में भी शिथिलता प्रदान करी जाए, वेट टैक्स के बारे में या अन्य टैक्सेशन जो स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगा रखे हैं, खास करके जहां भारतीय जनता पार्टी प्रदेश चौथे नंबर पर है, मैं वही कह रहा हूं प्रतीक जी, जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं, निश्चित रूप से जितने वैकल्पिक उपाय किए जा सकते उन पर गंभीरता से विचार हो रहा है और मुझे लग रहा है कि इन विचारों का फलाश्रुति बहुत जल्दी सामने दिखाई देगा। क्या कल जो भारत बंद आप कर रहे हैं उसकी क्या तैयारी है और भारत बंद के बाद क्या तरीका हो सकता है या क्या आप एक्शन लेने वाले हैं इन तमाम चीजों पर? पूरे देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और अन्य भारतीय जनता पार्टी के कारनामों के विरुद्ध कल जो भारत बंद हो रहा है वो ऐतिहासिक बंद होगा। और अभी जो उमेश जी कह रहे थे कि कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है, ये भारत बंद कांग्रेस ही करा रही है और पूरी ताकत से अपने विपक्ष की भूमिका में लगी हुई है। मैं यहाँ पर उमेश जी की एक बात में संशोधन करना चाहता हूँ। उमेश जी ने अभी कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के कारण ये स्थिति निर्मित हुई है। वैश्विक परिस्थितियां मनमोहन सिंह के समय ज्यादा विकट थी, जब 110 से 114 रुपए प्रति बैरल क्रूड की कीमत हुआ करती थी, लेकिन तब उन्होंने 62 रुपए पर अपने पेट्रोल की कीमत को नियंत्रित रखा। आज ऐसी कौन सी वैश्विक परिस्थिति आ गई कि जब क्रूड की कीमत 78 डॉलर प्रति बैरल है तब ये कीमतें 86 रुपए? ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं? मुझे तो इसमें साफ साफ नजर आता है कि उद्योगपतियों के फायदे के लिए इस देश की सारी नीतियां बन रही हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म जो कि हिटलर के समय में जर्मनी में प्रसिद्ध हुआ था, वही क्रोनी कैपिटलिज्म इस समय हिंदुस्तान में पूरी तरह से छाया हुआ है। प्रधानमंत्री की तस्वीरें एक उद्योगपति के साथ कंधे में हाथ डालकर जब आती हैं यह देश शर्मिंदा होता है। और मैं इस बात को मानने में कोई गुरेज नहीं करूंगा कि इस समय जो उद्योगपतियों की सरकार इस देश में चल रही है वो पूरी तरह से उस पर नियंत्रण 3 और 4 उद्योगपतियों का प्रधानमंत्री उनके सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं। उमेश जी, मुझे ऐसा लगता है दोनों की बात सुनने के बाद कि भारतीय जनता पार्टी में जो एक तरफा जिसको हम तानाशाही निरंकुशता कहते हैं वो हो गई है। जेटली जी कहते हैं कि वो एक्साइज शुल्क में एक्साइज ड्यूटी में कोई कमी नहीं करेंगे। जयंत मलैया कहते हैं कि वो वेट में कोई कमी नहीं करेंगे, दाम कितने ही बढ़ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके नीति आयोग के अध्यक्ष बोलते हैं कि रुपया गिर रहा है कोई चिंता वाली बात नहीं, और गिरने दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। GDP कम हो रही है तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। नीति आयोग कहता है कि नोटबंदी एक बार फिर से कर सकते हैं, तैयार रहना चाहिए देश को, ये सामाजिक उपाय है। मुझे लगता है कि जो आपका एक मार्गदर्शक मंडल बनाया था आडवाणी अटल जी का, उस आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को जिसमें रखा गया था, उसकी आज तक कोई एक बैठक नहीं हुई, कोई आपका कोई ऐसा फोरम नहीं बचा जिस पर आप जैसा कार्यकर्ता या कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता ये देश की जनता की आवाम की आवाज़ वहाँ पहुँचा सकें, बता सकें कि साहब इसमें पार्टी की 50 साल की तपस्या भंग हो रही है। कोई ऐसा मंच नहीं बचा जो आपके यहाँ के जो तीन जो कहा जाता है 2.5 लोगों की सरकार है, उन 2.5 लोगों को बता सके कि हजूर देश बहुत परेशान है, पार्टी का कार्यकर्ता बहुत परेशान है। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है पार्टी के अंदर? ऐसा नहीं है प्रतीक भाई, आपकी बात में कहीं कुछ आंशिक सच्चाई होगी पर पूरी तरह से मैं आपकी बात से असहमति व्यक्त करता हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी में कभी तानाशाही आ ही नहीं सकती है और है भी नहीं, और ना ये सरकार 2.5 लोगों की सरकार है। और दूसरी बात प्रतीक भाई, पार्टी में आज भी आंतरिक लोकतंत्र है, आज भी पार्टी फोरम में पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं, और आज भी कार्यकर्ता बहुत सारे नाम में गिरा आडवाणी जी बहुत सारे नाम बता सकते हैं आज तक। मार्गदर्शक मंडल में शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा से पूछिए, उनसे मार्गदर्शन पार्टी के लोकतंत्र के विषय में यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, शत्रुघ्न सिन्हा ये बेहतर बता पाएंगे कि पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र की स्थिति क्या है। संतोष जी, आपका पार्टी का लोकतंत्र सीताराम केसरी की धोती खींच कर धक्का देकर भगाने वाली पार्टी, हमको ये नहीं समझा कि सम्मान और मान कैसे दिया जा सकता है।
वो आपकी पार्टी का विषय, मैं उस पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। आप सरकार के क्रियाकलापों पर टीका टिप्पणी करें, पर आप मेरी पार्टी के आंतरिक विषयों के बारे में अगर टीका टिप्पणी करेंगे तो माफ करिएगा, कमर के नीचे वार करेंगे, तो बहुत सारी सच्चाई की परतें उजागर होती है। मुझे लग रहा है कि जो अलग विषय को लेकर है, कांग्रेस अलग विषय को लेकर है, वो अलग विषय को हम पेट्रोल पे बात करना चाह रहे हैं कि पार्टी के फोरम पर क्या ये बात रखी जा रही है। बिल्कुल रखी जा रही है प्रतीक जी, और पार्टी चिंतित भी है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामान्य से सामान्य नागरिक का भी सीधा जुड़ाव है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, क्या मुख्यमंत्री जी को कहेंगे, आप तो बहुत नजदीकी है शिवराज सिंह जी, क्या आप उनको कहेंगे कि भाई साहब वेट में 10 रुपए कम कर दीजिए? मुख्यमंत्री जी के स्वयं के सहत्र नयन है और बहुत सारी चीजों की सीधी जानकारी उनको प्राप्त होती है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित है। और आप विश्वास करेंगे वो वित्त मंत्री का धर्म होता है, कोई भी वित्त मंत्री होगा वो निर्मम होता है। आपके सामने अर्थशास्त्र का सीधा सीधा नियम है कि जो वित्त मंत्रालय संभालेगा उसको दयाहीन होना पड़ता है। उमेश जी का अर्थशास्त्र का यह नियम है कि अपना फायदा करो, जनता जाए भाड़ में। मैं अभी एक चीज आपके सामने बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बाद यदि सबसे ज्यादा पेट्रोल पर कहीं कर लिया जा रहा है तो वह प्रदेश है मध्य प्रदेश, जहां 36% महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है और मध्य प्रदेश में 36% जो टैक्स लिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री को दया नहीं आ रही के समय में थी, मुख्यमंत्री को दया नहीं आ रही, मुख्यमंत्री को दया नहीं आ रही कि 36% कम से कम 20% कर दे, जनता को कुछ राहत मिलेगी। हमारे सरकार में सड़क नदारद, बिजली नदारद, पानी नदारद, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई चीज नहीं थी, अंधकार मचा हुआ था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो विकास हो रहा है। ये विकास का है, इस विकास ने वित्तीय स्रोत जुटाने पड़ते हैं। जिन्होंने नर्मदा नदी का शोषण किया, नर्मदा नदी का शोषण किया, नर्मदा को छुपे बना दिया, नर्मदा नदी में सड़कें बना दी, नर्मदा है ना, नर्मदा पेट्रोल से संबंधित नहीं है। संतोष भाई विषयांतर होगा तो हम भी विषय नहीं, विषयांतर ये है कि पेट्रोल की जो आय हो रही है जी, इनका कहना है कि पेट्रोल से जो आय कर रहे हैं वेट टैक्स में जो करोड़ अरबों रुपए कमा रहे हैं वो विकास के लिए कर रहे हैं। मध्यप्रदेश का विकास में लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता चाहे 86 रुपए पेट्रोल खरीदे, 100 रुपए पेट्रोल खरीदे, इसको जस्टिफाई किया जाएगा। अरे भाई और तरीके लाओ जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता को फायदा मिल सके, केवल पेट्रोल की मार क्यों कर रहे हैं, उससे सारी चीजों पर असर पड़ रहा है। नहीं नहीं, केवल पेट्रोल की मार नहीं कर रहे, आप निश्चित रहिए पेट्रोल डीजल के तात्कालिक रूप से जो महंगाई भी बढ़ गई है 8%, महंगाई तो इन्हीं चीजों से बढ़ रही है। जब जब डीजल की कीमत बढ़ती है महंगाई बढ़ती है, स्वाभाविक है। तो डीजल की भाव वृद्धि से मैं इस बात से संतोष जी से सहमत हो सकता हूँ कि डीजल की वृद्धि होती है तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है, उसके कारण जरूर तात्कालिक रूप से प्रभाव पड़ता है। पर आप देखिएगा प्रतीक भाई, स्थिति अभी उतनी ऐसी नहीं है कि हमारे नियंत्रण से 62 रुपए में स्थितियां बिगड़ जाती है सरकार, लेकिन जब 86 रुपए और 76 रुपए होता है तो स्थितियां बहुत नियंत्रण में, जनता बड़ी सुखी। बार बार संतोष भैया हमारा टेम्पो छावनी से जीपीओ की तरफ उल्टा जा रहा है। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि लोकतंत्र में विपक्ष का तेवर अलग होता है, सत्ता पक्ष का आचरण अलग होता है। आप बार बार टाटा में दोहरा चरित्र कहते हैं, विपक्ष में तो बातें कुछ और, सत्ता में आ गए तो बातें कुछ और, ये दोहरे मापदंड नहीं, दोहरा चरित्र कहूंगा मैं, ये दोहरा चरित्र नहीं है, ये हर भूमिका का ईमानदारी से निर्वहन कहलाता है। आप विपक्ष में तो विपक्ष का धर्म ईमानदारी से निभाइए, सत्ता का नहीं निभा पा रहे हो, विपक्ष में सत्ता का नहीं निभा पा रहे हो, सत्ता का धर्म ये है कि जनता को राहत मिले, जनता राज में ठीक से जी सके, जनता ने जिन उम्मीदों से मोदी जी को वोट दिया था, शिवराज जी को वोट दिया था, क्या वो आकांक्षाएं पूरी हो रही है, क्या वो आकांक्षाएं पूरी हो रही है? ये तो सारे उपचुनाव के रिजल्ट बता चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है, और 2018 में 2018 के अंत में तीनों राज्यों के चुनाव परिणाम बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है। बहुत धन्यवाद प्रतीक भाई, तीन राज्यों के चुनाव परिणाम तो बताएंगे, जो बताएंगे संतोष गौतम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, ये बता दे कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, टॉस उछालने कौन जाएगा, ये एक चार पे घोड़ी चढ़ के पांचों कब तक जाएंगे, तोरण कौन मारेगा। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पद की लालसा को महत्व नहीं दिया है, कांग्रेस पार्टी के विधायक इसलिए आगे कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस पार्टी के विधायक कहते हैं कमलनाथ, और हमारा नेतृत्व सामूहिक रूप से तय कर देगा कि उसका मुख्यमंत्री कौन होगा। कार्यकर्ता इस बात पहले इस बार वो उखाड़ फेंके, इस बार ये बहस अगर बदले पेट्रोल से आप दूसरी तरफ जाएं उसके पहले बेहतर होगा कि मैं आप सबको धन्यवाद दूं, शुक्रिया अदा करूं, आप स्टूडियो में आए, आपने हमारे दर्शकों से बात की, और दर्शक आप देख रहे थे एक बहुत ही गर्मा गर्म बहस पेट्रोल की मार पर। आप खुद फैसला करिए कौन सच है और कौन गलत है, और आप फैसला करिए कि अब आपको जब पेट्रोल वाला पेट्रोल डालने से पहले कहे कि जरा जीरो देख लीजिए तो शायद आप उसको आंखों में आग डाल के कहें कि अब तो हम 2019 में ही, यही अच्छे दिन। धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार।